हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीके टेक एंड ट्रेवल्स। फ्रेंड्स, आज हम बजट रेंज के सबसे मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन मोटो G32 के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में कुछ यूजर्स ने कमेंट किया था, सर आफ्टर 1 मंथ रिव्यू लाइए, तो इस फ़ोन को इस्तेमाल करते मुझे मोर देन 1 मंथ हो गए हैं, तो अब मैं इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो हर फ़ोन में कुछ न कुछ प्रोस एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो। एप्पल के भी फ़ोन जो काफ़ी महंगे आते हैं उसमें भी तमाम प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। पहले प्रोस की बात करते हैं। अगर प्रोस की बात करें तो इस डिवाइस में फुल HD की डिस्प्ले दी हुई है, इसमें फुल HD की डिस्प्ले दी हुई है, तो वीडियोस या फिर YouTube के वीडियोस देखते हुए आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। दूसरी अगर बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी हुई है और 33 W का फास्ट चार्जर दिया हुआ है, तो यह भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। तीसरी प्रोस की बात करें तो इसमें 50 MP का कैमरा दिया हुआ है, प्लस 8 MP का वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है, जो क्लोजर शॉट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। अगर चौथी की बात करें तो चौथा प्रोस है कि ये फ़ोन बहुत ही लाइट वेट है और इसे आप पॉकेट में भी अगर रख के चलते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा, और इसकी डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है, हाथों में आपके काफ़ी अच्छी तरह से फील होगा। और पांचवें की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रॉक एंड्रॉयड है, मतलब तमाम ब्लॉटवेयर और अदर यूजलेस ऐप्स इसमें नहीं दिए हुए हैं। गूगल की तरफ से बहुत कम ही ऐप्स ऐसे हैं कि जो इसमें इस तरह के हैं जिसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, बाकी क्लीन UI है जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये तो हो गए प्रोस की बात, अब इसकी करते हैं कॉन्स की बात। कॉन्स में जो इसका सबसे पहला कॉन है वो ये है कि लोकल मार्केट में आपको इसका स्क्रीन गार्ड और कवर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में मिलते हैं तो हो सकता है कि इसका स्क्रीन गार्ड और बैक कवर इजीली मिल जाए, लेकिन अदर मार्केट्स में बहुत ही मुश्किल है। इसके वजह से मुझे ऑनलाइन इसका कवर ऑर्डर करना पड़ा, जब वो कवर आ जाएगा तो उसका भी आपसे शेयर कर लूँगा अनबॉक्सिंग। इसके बाद से अगर दूसरी कॉन्स की बात करें तो चार्जिंग के समय इसके अंदर हीटिंग होती है, हीटिंग इश्यू वाइल चार्जिंग, तो हैवी बैटरी और 33 W के फास्ट चार्जर होने के कारण यह फ़ोन चार्जिंग के समय हीटिंग इश्यू देता है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे चार्जिंग कंप्लीट होती है इसकी हीटिंग भी कम होती जाती है। वैसे तो सभी हैवी बैटरी वाले फ़ोन्स थोड़ी बहुत हीटिंग ज़रूर देते हैं, इसमें भी वो प्रॉब्लम है। इसके बाद अगर तीसरी की बात करें तो वो कॉन्स है कि हल्का सा भी नेटवर्क फ्लक्चुएशन के समय इसमें कॉल में हिंड्रेंस आने लगता है या कॉलिंग में दिक्कत हो सकती है। अगर नेटवर्क सही है, प्रॉपर है, तब तो ऑडियो क्वालिटी और टॉकिंग बहुत क्लियर होगी, लेकिन अगर हल्का सा भी फ्लक्चुएशन आया तो ये चीज़ इसमें आपको फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर चौथे कॉन्स की बात करें तो ये है कि डे लाइट्स में क्लोजर शॉट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आप दूर के शॉट्स लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत नॉइस आता है, और नाइट शॉट्स भी इसके उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये भी एक इशू है जिसे आप कॉन्स मान सकते हैं। चौथा ये है कि पांचवा कॉन्स ये है कि एंड्रॉयड अपडेट्स मोटोरोला बहुत ही स्लो देता है, तो अभी इस समय काफ़ी मार्केट में छाया हुआ है, मोटोरोला के तमाम फ़ोन्स आए हुए हैं, तो हो सकता है इसकी या अपग्रेडिंग फ़ोन्स की अपडेट्स जल्दी दे, बट मोटोरोला इस मामले में काफ़ी पीछे रहता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी इतने दिन तक इस्तेमाल करते हुए मुझे इसमें कोई इस तरह का इश्यू नहीं आया। यूज़र फ्रेंडली है, स्टॉक एंड्रॉयड है,
और आप अगर बजट रेंज में इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। मैं कोई बहुत हैवी यूज़र नहीं हूँ, नॉर्मली जो है वीडियो देखना, यूट्यूब चलाना और आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यही सब चीज़ करते हैं। गेमर है, अगर हैवी गेमर है तो इसका बैकअप करीब करीब 6 से 8 घंटे है। नॉर्मल अगर यूज करना है तो 1 से 2 दिन भी इसकी बैटरी जा सकती है। तो ये हो गए इसके प्रॉस एंड कॉन्स। अब आप वीडियो देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर यह फ़ोन फ्लिपकार्ट या अमेज़न की किसी भी डील में अंडर 10,000 आता है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसका रैम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज है। तो ये चीज़ें आप सारी कंसीडर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।